ये भीड़ स्वतः स्फूर्त है, अपने आप लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनका दीदार करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, कि किस तरह से एक व्यक्ति ने, एक जन नेता ने किस तरह एक पूरी परिस्थिति को बदल दिया। जहां पर भुज में जब भूकंप आया था उसके बाद चारों तरफ जो तबाही का मंजर था उसमें किस तरह से परिवर्तन आया है, और दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प की बदौलत भुज में कैसे परिवर्तन लाया गया है, ये न सिर्फ लोगों ने देखा है बल्कि ये लोग, आम लोग उसके भागीदार भी रहे हैं। और ऐसे में अपने प्रधानमंत्री का, अपने जन नेता का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़े हैं। और देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के उस जज्बे का भी स्वागत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उस दृढ़ संकल्प, उस इच्छा शक्ति का भी स्वागत कर रहे हैं जो उन्होंने भुज को पुनर्विकास में, पुनर्निर्माण में दोबारा दिखाई, सारे विघ्नों को पार पाते हुए, सारी परेशानियों को दूर करते हुए, सारी चुनौतियों से पार पाते हुए भुज का पुनर्निर्माण किया है, पुनर्विकास किया है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में है, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है नर जब नर पर्वत के जाते पांव खड़े, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। निश्चित तौर पर ये पंक्तियां यहाँ सटीक साबित हो रही हैं, जब एक उजड़े हुए भुज से एक पूर्ण विकसित भुज का पुनर्निर्माण हुआ है, और इस पुनर्निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा है, उनकी परिकल्पना आज साकार हो रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग भुज के जो वासी हैं वो अपने नेता का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए पलक पावड़े बिछाकर सड़क के दोनों ओर खड़े। मोदी मोदी के नारों के बीच में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कार से अपनी बाहर निकलकर और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे इस भीड़ में शामिल हैं और युवा बड़ी संख्या में शामिल हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं, तिरंगा लहराते हुए, हाथों में तिरंगा लहराते हुए, तिरंगे को लेकर के एक विशेष प्रेम, जिस तरह से आजादी के अमृत महोत्सव में और तिरंगे को लेकर के हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा को लेकर के एक अभियान के बाद से लोगों में आया, वो काबिले तारीफ है और दर्शनीय भी है। दर्शनीय इसलिए भी है क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। भुज का स्मृति वन जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में करेंगे, वो भुज के उन तमाम अनुभवों को, उन तमाम स्मृतियों को सजोए हुए हैं जो 26 जनवरी 2001 के भूकंप के बाद से लोग जिससे गुजरे थे, उन स्थितियों से दोचार हुए थे, उन सारी स्मृतियों को न सिर्फ वो सजोए हुए हैं बल्कि फिर पुनर्निर्माण कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, विकास की राह पर आगे कैसे बढ़े, गिरकर कैसे खड़े हुए, कैसे संभले, उसकी दास्तां भी ये बयां करता है। और लोग जो कि इस भुज के पुनर्निर्माण में, पुनर्विकास में स्वयं भागीदार रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, अपने नेता का स्वागत करने के लिए आज भुज की सड़कों पर उमड़ पड़े हैं।